रक्षा सूत्र की डोर भाई बहन के रिश्ते को अटूट बना सकती है। इस बार रक्षाबंधन के दिन ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। काशी के ज्योतिषियों का दावा है कि करीब 90 साल बाद रक्षाबंधन के दिन चार शुभ महासंयोग बन रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों का यह अद्भुत संयोग भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन के दिन चार शुभ संयोग बन रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन सावन का अंतिम सोमवार भी है, ऐसे में यह दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। रक्षाबंधन जो है ये भाई बहन के प्यार का, प्रेम का ये संदेश है। बहनें जो हैं भाई के दीर्घायु के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए उनको कोई विघ्न बाधा न हो, तो एन बद्धो बली राजा दानवेंदो महाबल ना, इस मंत्र के द्वारा जो है अपने भाई की कलाई पर जो है रक्षा बांधती हैं ताकि वो दीर्घायु हो और उनके अंदर कोई कष्ट और बाधा न आए, इसलिए रक्षा बांधा जाता है। इस बार सबसे बड़ी चीज है कि तीन सबसे बड़े संयोग बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सोमवार पड़ रहा है, सावन का अंतिम सोमवार है। दूसरी बात, सर्वार्थ सिद्ध योग जो संपूर्ण सिद्धि को देने वाला है, सोमवार और पूर्णिमा के योग से जो योग बनता है उसको सर्वार्थ सिद्ध योग करते हैं। और उसमें श्रवण नक्षत्र का योग हो रहा है। श्रवण नक्षत्र जब भी आएगा तभी जो है आपका श्रावण, जब पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र का योग होगा तभी जो है पूर्णिमा हो सकती है, इसलिए जो है यह बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। रवि योग भी है, इसमें रवि योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, तमाम तरीके के। इसमें तीन योग हमने बताए कि सबसे बड़ी कि सोमवार है, सावन का अंतिम सोमवार है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, संपूर्ण सिद्धि को देने वाला योग है और रवि योग है। तो ये योग, तीन योग जो है कल्याणकारी है, इसलिए रक्षाबंधन का विशेष महत्व हो जाता है इस बार विशेष।